सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल राम नाईक ने 28 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, जिसमें 17 छात्राओं और 11 छात्रों ने पदक हासिल किया। राज्यपाल ने इस दौरान अटल बिहारी लाइब्रेरी, परीक्षा भवन तथा अंतर्राष्ट्रीय बोध अध्ययन केंद्र का शिलान्यास किया। दीक्षांत समारोह में छात्राओं द्वारा अधिक संख्या में पदक हासिल कर राज्यपाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दीन बताया। उन्होंने छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या होने पर खुशी भी जाहिर की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महामहिम राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि यूपी में संगठित अपराध में कमी आई है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार को 70 नंबर देता हूं। अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। राम मंदिर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। न्यूज फ्रीडम के लिए सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध संगठित अपराध कहा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और दूसरा व्यक्तिगत अपराध। व्यक्तिगत अपराध में चोरी करना, रेप करना, इस प्रकार के अपराध आते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लूट करना, इस प्रकार के आते हैं। तो मेरा आकलन यह है कि प्रदेश में ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो काफी प्रमाण पर कम हुआ है, और जो व्यक्तिगत क्राइम है उसके बारे में और अधिक काम करने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर कभी कभी पत्रकार मुझे पूछते हैं, इसलिए मैं ये कहता रहता हूँ आपको, बताऊंगा ये मार्क देना है, और मार्क खुला में आप लोग मांगते रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वो मेरी सरकार है, और पहले की अखिलेश यादव जी की सरकार भी मेरी ही थी, क्योंकि मैंने ही उसको नियुक्त की थी। तो अभी के सरकार को मैं 70% मार्क दूंगा, और 30% कोई भी छात्र भी होता है उसको 90% मार्क मिलने के बाद भी 10% के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जी सर। तो इसलिए और कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन जो हो रहा है या हुआ है अब तक वो निश्चित यार चौबे जी समाधान कर रहे हैं। दूसरा मंदिर सब लोग जो चाहते हैं वो कहते हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ तक मंदिर का सवाल है, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, और जब कोई मामला सर्वोच्च विचाराधीन न्यायालय के होता है तो राज्यपाल ने ऐसे मुद्दे पर कुछ वक्तव्य देना उचित नहीं होता है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा उसका पालन